किस किस के पास बेटियां, जरा हाथ खड़े करके बताओ। आप भी किसी की बेटियां हो, अपने पापा का प्यार याद करो जरा। मेरी गुड़दी डली, मेरी खंड मिश्री, मेरी राजकुमारी, कंजक रूप में आई मेरे घर शेरा वाली। मेरी गुड़दी डली, मेरी खंड मिश्री, मेरी राजकुमारी, मेरी गुड़की डली, मेरी खंड मिश्री, मेरी राजकुमारी, बेटियों के लिए तालियां बजाइए। भाग्य से होता है, कैसे होता है? भाग्य से। और ऐसे 100 भाग्य जब इकट्ठे होते हैं ना, तो बेटियां मिलती हैं। जिस पर इसकी नजर होती है उसको बेटियां देती है कि ये सच्चा हकदार है, इसके घर में मैं बेटी भेजूंगी, क्योंकि ये मेरा पालन पोषण, मेरी धरोहर का पालन पोषण बड़े जिगर के साथ करेगा। अभागे लोगों के घर में बेटियां नहीं होती भैया, 100 भाग्य से बेटियां मिलती हैं। इसे जब बेटी आए ना, तो मुस्कुराया कीजिए। जो लोग गर्भपात करवाते हैं वो सबसे बड़ा पाप करते हैं, इस संसार का सबसे बड़ा पाप है।
इसलिए जब ये जन्म लेना तो उनको हृदय से लगाइए, क्योंकि ये अपना कर्म साथ लेकर आएंगे। आपसे कुछ नहीं मांगती है, सिर्फ प्यार मांगती है। जब मेरे घर बेटी हुई ना, तो 3 महीने की हुई तो मैं उसको झंडे वाला मंदिर ले गया दर्शन करवाने, तो पुजारी जी ने उसको गोदी में लिया और माई के चरणों में रख दिया, और ऐसा लग रहा था जैसे वो माँ से बातें कर रही थी। तो मैंने उसको दोबारा जब गोदी में उठाया ना, तो मुझे ऐसे लगा जैसे अपनी सहेली से मिलकर आई है, इतनी खुश थी 3 महीने की। फिर मैंने उस दिन माँ को बोल दिया, मैंने माँ से मांगना छोड़ दिया, जब से तू मेरे घर आई है। मैंने माँ से मांगना छोड़ दिया, जब से तू मेरे घर आई है। मेरे संकट हरने को, मुझ पे कृपा करने को, माँ बेटी बनकर आई। मेरी गुड़ दी डली, मेरी खंड मिश्री।